तो आज मैं बताना चाहूँगा, पहले तो आपको कह के सभी को गुड मॉर्निंग और बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूरी ऑफिशियल 2.0। आपका आशीर्वाद मेरे पर बना है और ऐसे ही बना रहे। आज क्या है कि हम जैसलमेर के अंदर हमारे कि कैसा यहाँ का जीवन यापन है, कैसे यहाँ पर स्कूलें हैं, कैसे यहाँ पर आदमी रहते हैं, ये है कि हाँ कि थोड़ा एरिया तो क्या है कि पिछड़ा हुआ है। जोधपुर है, जैसलमेर एरिया जो है, जोधपुर थोड़ा डेवलप कर दिया है अशोक गहलोत जी ने, मगर जो जैसे अपन जैसलमेर एरिया में जाते हैं, हमारे स्टाफ जी मैं साथी में क्या कि धर्मराज जी सर थे, उनकी पोस्टिंग पहले इधर ही थी, तो वो जिस स्कूल में रहे थे उनका व्यवहार कैसा है वो उन्होंने बताने के लिए हम इधर आए हैं आज। और अब आज हम जैसलमेर के देचू गाँव है, देचू ब्लॉक पड़ता है, अब्बेगढ़ तहसील है, यहाँ है। आप मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पानी का कैसे यूज किया जाता है, पानी का स्टोरेज है कैसे क्या है, इस सब चीजें मैं बताता हूँ। कौन से पत्थर से मकान बनाया जाता है, स्कूलों में कितना डेवलपमेंट है, क्या है, सब बताता हूँ। यहाँ का जो जीवन यापन जो ये है, इस प्रकार से यहाँ का जीवन यापन है। और कितने साल पुरानी है, और यहाँ के जो अपने तो मकान क्या है कि पहले पट्टियों के पत्थरों के मकान है, आरसीसी वाले मकान है, और यहाँ पर जो मकान बनाए हुए आपको मैं बताता हूँ, मीटिंग वाले देखो 8-10 साल हो गए, एक बूंद भी पानी नहीं टिपकता इस पर, भी ले लेना बीच में भी दीजिए इसका पूरा भी रहती है घर में। और ये हमारे सर हैं, और ये भी क्या बूंदी के सर है, इनकी पोस्टिंग भी यही है, पिटाई जी सर है, आज इनसे मिलने जेके में पढ़ा होगा कि सेवन घास लाठी जो सीरीज क्षेत्र होती है उसमें पाई जाती है। ये क्या है कि सेवन घास ही है, ये सेवन घास का ही बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बना रखा है। और क्या है कि जैसलमेर एरिया में पानी की कमी होने के कारण ये क्या कि इनका यूज किया जाता है टांके का। और हमारे क्या कि जो ये सर है पिटाई जी सर बताएंगे कि ये टांका कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। हाँ सर एक बार बताओ सर कि ट्यूबवेल से पानी भरा जाता है, ट्यूबवेल से क्या चलाएंगे ना डायरेक्ट, 5 फुहारे चल पाएंगे, 20 फुहारे चल पाएंगे इस वजह से।